प्यारे भाइयों उनकी बहनों कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मेरे आपके हम सबके चैनल फायर के ब्लॉग में। तो फिर से तुम लोग का स्वागत है मेरे तीसरे ब्लॉग में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होगा। आज मैं एक हेलमेट लेने जा रहा हूँ क्योंकि हेलमेट बहुत कंपलसरी है बाइकर लोग के लिए, सेफ्टी सबसे फर्स्ट होना चाहिए। तो मैं भी हमेशा तुम लोग को अवेयर करूंगा, हमेशा बोलूंगा कि विदाउट हेलमेट का कभी भी बाइक राइड मत किए। तो अभी चलो देखते हैं कौन सा हेलमेट लेंगे, कितना प्राइस पड़ता है, कहाँ पे लूंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा, कौन सा क्वालिटी का होगा, सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहो। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बूम। हाँ गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं अपने बाइक के पास आ चुका। चलो अभी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। हेलमेट के शॉप पे आ चुका, बाइक के शॉप पे। देख सकते हो कि मेरा वहाँ पे जो बाइक लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं कौन सा हेलमेट सही होगा, अगर पसंद आएगा तो यहाँ लिया जाएगा, वरना दूसरा शॉप में जाके ट्राई करेंगे। तो ये एक हेलमेट मुझे अच्छा लगा, बट कलर वाइज मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने देखा इसको चारों तरफ से तो मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने जो है दूसरा शॉप गया, तो मुझे ये हेलमेट जो पसंद आया। तो इसका प्राइस मुझे वही करीबन 1500 रुपये पड़ा। बहुत ही अच्छा हेलमेट है, ISI का लोगो भी इसमें ट्रेड मार्क है। चलो इसको हटा के मैं तुम लोग को सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। वहाँ पे सॉरी मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि वहाँ पे बोलना नहीं उतना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, इसीलिए मैंने जो घर आके जो वॉइस ओवर ही कर लिया हेलमेट लेने के बाद। तो दोस्तों अब चलते हैं घर, वहाँ पर मैं इसका अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा। तो जब भी तुम लोग बाइक चलाओ तो हेलमेट और सेफ्टी के साथ हमेशा चलाया करो। हाँ गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे भाई के पास ये बॉक्स है, तुम लोगों ने जैसा कि ब्लॉग में देखा। तो चलो तुम लोग को देख कर इसको समझिए कि इसमें क्या है। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करने वाले, तुम लोग को दिखाने वाले सारा डिटेल्स भी, क्योंकि मैंने शॉप पे उतना डिटेल्स में नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा घर में आके तुम लोग को अच्छे से दिखाया। चलो देखते हैं बॉक्स में क्या क्या हमको मिलता है। हाँ गाइस, तो चलो यहाँ पर मैं बॉक्स को जो यहाँ पर ओपन कर देख सकते हो, स्टडी लिखा हुआ है, स्टडीज, तो यही बॉक्स है। तो तुम लोग यहाँ पे एक देख रहे हो कि मेरे पास एक गिम्बल, जो कि मैंने एक ट्राइपॉड जो यहाँ पे लिया था भागलपुर, जैसा कि मैंने तुम लोग को जो ब्लॉग में बताया था, तुम लोगों को ब्लॉग में बताया था ये गिम्बल, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जो भी ब्लॉग करता है उसके लिए गिम्बल एक कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास तो कैमरा नहीं है दोस्तों, तो मैं अभी गिम्बल अपने फ़ोन से ही काम चला लेता हूँ। तो ये चीज़ भी मैंने सोचा कि इसी में दिखा दिया जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा चीज़ का क्या अलग से वीडियो बनाया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा इसमें भी मैं तुम लोग को बता दूँ। बहुत ही कम्फर्ट साइज है ये गिम्बल है, ये मुझे करीबन 400 रुपये पड़ा, मैंने ऑफलाइन लिया, जैसा कि तुम लोग को भागलपुर वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। ये मैंने हेलमेट मैंने तुम लोग को निकाल के दिखा दिया। तो ये स्टील बट का जो है हेलमेट, और सबसे मेन देख सकते हो कि आगे ISI ये चीज़ का लोगो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी हेलमेट लो जब भी तो ये चीज़ ज़रूर ही देख के लो, क्योंकि पुलिस वाले लोग ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे हेलमेट तुम लोग को जो ओपन करके भी दिखा देता हूँ किस किस टाइप का इसमें फंक्शन है। यहाँ पे देख सकते हो कि हवा निकलने का भी। चलो मैं इसको खोल के भी, तुम लोग चाहो तो इसको खोल के भी पहन सकते हो। तो सारा कुछ मैं भी तुम लोग को दिखाऊँगा कैसे इसको पहना जाता है। तो इस टाइप का है और बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही मज़ेदार है, आरामदायक ये हेलमेट है। तभी मैंने ये हेलमेट के रहा, चारों तरफ इसका जो कॉटन और कपड़ा लगा। चलो मैं यहाँ पे तुम लोग को लॉक करके भी दिखाता है कैसे करके तुम लोग को लॉक करना है, क्योंकि बहुत लोगों को लॉक करने भी नहीं आता। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको सिर्फ ऊपर करना है, उसके बाद तुम लॉक कर दोगे तो उसके बाद तुम्हारा ये वाला जो है बाहर नहीं आएगा, तुम कितना भी खींच के देख लोगे तो नहीं आएगा। तो इसी चीज़ मुझे हेलमेट पसंद आती है। और तुम लोग चाहो तो इसमें कैमरा भी लगा सकते हो, तो मैं भी कैमरा लूँगा तो लगाऊँगा। हाँ गाइस, तो मैं तुम लोग को जो ये भी पहन के भी तुम लोग को यहाँ पे दिखा दो, क्योंकि पहन के भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ, तो देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पहन के भी, अभी तो मेरी आवाज़ नहीं और आ रही होगी। तो चलो मैं यहाँ पे यहाँ से इसको तुम लोग सिंपली से खोल सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। इसको भी तुम लोग ऊपर करके इसको जैसे चाहो तो तुम इसको खोल लेना है। पहले तुम लोग को मैं तुम लोग को अच्छे से यहाँ पर दिखा दे, तो इसको तुम लोग को पहले खोल लेना है, फिर इसको भी आराम से यहाँ पे लॉक कर देना है। उसके बाद तुम इसको यहाँ पे ऐसे करके जो सिंपली से जो है दोस्तों मैं तुम लोग को यहाँ पे लॉक करके भी दिखाता। तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ पीछे का इससे भी, तो इस तरह का ये हेलमेट है, बहुत मुझे अच्छा लगा। कंफर्ट साइज भी है, मेरे हेड में जो ये अच्छे से फिट भी हो रहा है। तो ऐसे करके तुम यहाँ पर अपने हेलमेट को जो यहाँ पर पहन सकते हो। तो ये हेलमेट मुझे अच्छा लगा दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसको जो यहाँ पे परचेज किया। तो चलो मैं पहले इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों बाइकर्स के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बाइक राइड के लिए हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास और बाकी राइडिंग गियर्स नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना पैसा भी अर्निंग नहीं करा, अभी तो फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग चैनल जो स्टार्ट किया और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं ना मेरे पास कैमरा, बस तुम लोग जो ये फ़ोन देख रहे हो इसी से मैं शूट करता हूँ। वन प्लस का एक फ़ोन है मेरे पास, एक ये जो है रियलमी का फ़ोन है, तो यही दोनों मैं जो एक टेक चैनल जो है वो जो चलाता हूँ जिसमें रोस्ट वीडियो डालना, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, उसका भी लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम लोग को ये ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हारे लिए और इंटरेस्टिंग सब वीडियो सबसे पहले लाता। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के अलविदा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।